जी सुनिए, कौन हो तुम लोग? हमारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? वो मैं मेरी पत्नी पास के गांव से है। रास्ता भटक गए थे, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? यहाँ आसपास कोई खाने की सुविधा भी नहीं है तो। दो ढंग के तो नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? जी हम वो मतलब यही के वो हमने भाग के शादी की थी, ये रोडंग से है, मैं वहां से नहीं हूं, प्यार करता हूं इससे, घर वालों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ठीक है पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं कुछ खाने के लिए है तो, तुम लोग यहीं ठहरो। जल्दी, इससे पहले किसी होश आए हमें कागजों को ढूंढना होगा। हम आपको बख्शी नहीं मानते। बख्शी जगबंधु की, बख्शी जगबंधु की, बख्शी जगबंधु की। ये आपने अच्छा नहीं किया सुवर्णा भाभी, गांव वालों को भड़का के उन्हें मेरे खिलाफ करके ठीक नहीं किया आपने। बख्शी दादा, अगर आपकी आज्ञा हो तो डाल दूं उनको काल कोठरी में। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सब तो मैं देख लूंगा, अभी समय है एक बड़े खेल को अंजाम देने का। फिरंगियों की ताकत को अपनी ताकत बनाना होगा, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, इसलिए फ्लेचर उसके खास आदमियों को मैंने भोजन के लिए बुलाया है। और रही बात सुवर्णा भाभी की, तो अपनी बेइज्जती का बदला उनसे ले ही लूंगा। केशाभूषण क्या? मैंने इससे कई सारे ताले खोले, पापा ने मुझे छोटी चीजें सिखाई है जो एक योद्धा के काम आ सकती है। वो कहते हैं ना, हर वक्त तो योद्धा के पास शस्त्र होना जरूरी नहीं है ना, जासूई काम आ सकती है, वहां तलवार की क्या जरूरत है। और ये ताला तो मैं चुपचाप रहकर भी अब सारे काम कर सकती है, अगर किसी ने देख लिया तो। कैसे हो सकता है? अगर यहाँ नहीं है तो फिर फ्लेचर ने कहाँ रखे होंगे?
पता नहीं, हमें शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए इससे पहले कोई हमें देख ले। चलो ये फिरंगियों के लोग यहां क्या कर रहे हैं? मेरे मेहमान है ये। का बख्शी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इन फिरंगियों के साथ अपना संबंध बनाकर रखूं, क्योंकि जिसके पास जमीन है उसी के पास फल है, और फल तो हम सबको चाहिए ना भाभी। इसलिए आज रात का भोजन ही हमारे साथ करेंगे। और इनकी मेहमान नवाजी आप अपने हाथों से करेंगे। दरबार में मेरे खिलाफ नारे लगाए थे ना आपने, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाभी। बस आप फिरंगियों को अपने हाथों से खाना खिला दीजिए और साबित कर दीजिए कि आपको अपने किए पर कितना पछतावा है। तुम ठीक हो? जल्दी करो, पहरेदार कभी भी उठ सकता है। चलो। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? कल्याणी क्या करी, हमें देर हो रही है। चलो चलो कल्याणी। आप लोग कौन है, कहां से आए मुझे नहीं पता, पर इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। आ, 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 आ। बख्शी जी, हम इन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, इन्हें बच्चा होने वाला है। मेरे पति भी यहाँ नहीं है, मेरी मदद करो। बख्शी जी, आसपास कोई नहीं है, ऐसे में इनकी और इनके बच्चे की जान को खतरा है। बख्शी जी, बख्शी जी, तुम इन्हें संभालो, मैं देखता हूं कि कोई आ तो नहीं रहा। आराम से आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमें फिरंगियों की मेहमान नवाजी करने के लिए कह रहे हैं? इनके सामने झुककर इनकी सेवा करने से अच्छा है कि हम मर जाएं। भेज दीजिए इन्हें यहाँ से। अगर आपने मना किया तो 7 दिनों तक इस घर में किसी भी सेवक और सेविका को खाना नहीं मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, ऐसा चाहती हैं आप? अपने हाथों से इन फिरंगियों को खाना नहीं खिलाया तो घर में बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। समधन जी, इन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए आप। ठीक है, मैं खाना खिलाऊंगी। खाना लगा दो जी।
मैं स्वयं अपने हाथों से इन सबको खाना परोसूंगी। अमेजिंग। रोडंग की मेहमानवाजी के बारे में सुना तो था, पर दुश्मनों को कौन पूछता है ना सुवर्णा जी। लेकिन आज देखिए, आप अपने हाथों से दुश्मनों को खाना खिला रही हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं, आपकी बहू कल्याणी से शादी करना सपना है मेरा। और उसकी सासू माँ मेरी सेवा करेगी, ये सपना तो बिना देखे ही पूरा हो गया। दुश्मनों को भी खाना पानी पूछना, ये हम हिंदुस्तानियों की संस्कृति में है, संस्कार है ये हमारे। आप यहां पर मेहमान बनकर आए और हम अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं। आप खाइए, मैं बस अभी आई। क्या बात है समधन जी, ये आप क्या कर रही है? ईश्वर में विश्वास, कभी भी कोई भी अच्छा काम बेकार नहीं जाता, फिर चाहे वो दुश्मनों का पेट भरना ही क्यों ना हो। मुझे गर्म पानी और साफ कपड़े की जरूरत है। रसोई किस तरफ होगी? उधर है। भीम, बहुत मजा आया, थैंक यू। ये नकली हस्ताक्षर वाले जमीन के कागजात लेके आया हूँ। मुझे लगा इससे पहले कि जगबंधु अपनी बॉक्सी की कुर्सी वापस पाने के लिए किसी तरह इस पेपर्स तक पहुंचने की कोशिश करे, मैं इन पेपर्स तुम्हारे पास सेफ रखवा दूं। जरूर, बाइकों की जमीन के कागज मेरे पास सुरक्षित रहेंगे यहाँ की तिजोरी में। पर मुझे ये नहीं पता था कि जगबंधु से आप इस तरह से डर जाएंगे। डर तो उससे लगता है भीम, जिसे आपको कोई खतरा हो। तो जगबंधु तो खतरा बनने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। अपने सौ जिस को शूट अटैक की ऑर्डर दिए हैं मैंने उसके लिए। राजनाथन। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, आज मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है तो मुझे समय से घर जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ? थैंक यू सर। लीजिए। कल्याणी जल्दी।
देखिए इस मासूम सी जान को, हम सब की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, ना कोई छल ना कपट, बस प्यार। फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है, प्यार नफरत सीख जाता है और दोस्ती दुश्मनी। आज आप लोग नहीं होते तो ना जाने क्या होता। मत, जगबंधु जी आपको तो नजर आते ही गोली मारने के आदेश है, बल्कि सर फ्लेचर तो मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे अगर एक साथ दोनों का काम तमाम कर दिया तो। नहीं जनार्दन, इन्हें कुछ मत करिए। आज इन दोनों की वजह से हमें हमारी बच्ची मिली है। ये दोनों नहीं होते तो शायद हमारी जान भी नहीं बचती। भगवान ने भेजा है इन दोनों को हमारे पास। देखो अपने बच्चे की तरफ, ये इन्हीं दोनों की बदौलत है, हमारे पास है। दुश्मनी होते हुए भी आपने इंसानियत को आगे रखा जगबंधु जी, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की जान बचाई, जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा मैं। आभार नहीं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। इससे पहले कि आप दोनों को यहाँ कोई देखे, आप दोनों यहाँ से निकल जाइए, कोई आवाज नहीं करेगा, समझे? ये आदेश है मेरा। जगबंधु जी आपकी बेगुनाही का सबूत दिलवा सकता हूं मैं आपको। आपके घर पर आज फ्लेचर के साथ हम सबको भोजन परोसा आपकी माताजी ने। भोजन की वजह से मुझे यहां मेरी पत्नी के पास आने में देर हुई। मुझे लगता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी बीच आपका हमारी मदद करना और मेरा आपकी मदद करना, ये सब पहले से तकदीर में लिखा हुआ है। तो ये बात साफ है कि ऊपर वाले की भी यही इच्छा है। तो जाइए जगबंधु जी, जो कागज रोडांग में आपकी जगह आपको वापस दिला सकते हैं उन्हें लेकर आइए। वो कागज फ्लेचर ने भीम जी को दिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।